एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ईकेवाईसी जिन लोगों ने नहीं करवाई हुई है राशन कार्ड को लेकर, वो लोग जो है ईकेवाईसी करवा लें, ताकि आपको बता दें कि जो भी पेंडिंग राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो अपनी ईकेवाईसी करवाएं, ताकि डिपार्टमेंट जो अपना काम कर रहा है वो पूरा हो पाए। राजौरी की बात करें तो राजौरी में काफी जो मात्रा है वो कम है ईकेवाईसी की, उतने लोगों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई हुई है। वो नज़दीकी डीलर के पास जाके जो है अपना ईकेवाईसी करवाएं। वहीं अगर जो भी लोग अगर बाहर हैं, जम्मू हैं, सऊदी अरेबिया हैं, कुवैत हैं, उनके लिए भी ये खबर है। इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये पता चल जाएगा, एक तो आप लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगी, एक आप लोग जो है आपका आधार का नंबर जो है वो फाइनली अच्छे तरीके से अपडेट हो जाएगा, और दूसरा नंबर ये पता चल जाएगा कि क्या ये इंसान जिंदा भी है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वेरिफिकेशंस करवाई जा रही हैं। राजौरी के काफ़ी कम लोगों ने जो है ये राशन कार्ड के लिए जो है वो ईकेवाईसी करवाई हुई है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं राजौरी की पर्टिकुलर बात इसलिए कर रहा हूं कि यहां की मात्रा थोड़ी कम है, जिन लोगों ने कम लोगों को ये चीज पता चली है कि ईकेवाईसी करवानी है। वहीं बात ये सारे जम्मू कश्मीर के लिए है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बात है कि उन्होंने जो है ईकेवाईसी करवानी है। और वहीं अगर बात करें जैसे बीपीएल का राशन कार्ड होता है, ये भी सब क्लियर हो जाएगा कि किसका बीपीएल में रहेगा, किसका जनरल कैटेगरी में रहेगा। तो आप लोग नजदीकी डीलर के पास जाके जो है अपना ये वाला काम करवाएं, ताकि जल्द से जल्द जो डिपार्टमेंट है वो नए राशन कार्ड के बारे में भी सोच रहा है, वो भी आप जानते ही हैं। और किस तरीके से आपने देखा कि राशन को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही थी कि राशन जो है वो हो सकता है जनवरी तक जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये सब चीजें जो है डिपार्टमेंट अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन अभी तक सबसे अगर कम की बात करें तो राजौरी के लोगों की जो है ईकेवाईसी हुई है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करना, ताकि हर एक तक ये अपडेट पहुंचनी चाहिए, क्योंकि राशन लेना जरूरी है, हर एक इंसान को जरूरत होती है। काफी सारे लोग जो है वो रह चुके हैं कि जिनका ईकेवाईसी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये ईकेवाईसी से काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे, जिसकी डॉक्यूमेंट्स में गलती है वो भी अक्सर ठीक हो जाएगी। तो आप लोग जो है इस ओर जरूर ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा जो है इस खबर को शेयर करें।